good morning students today we will start chapter number 11 profit and loss and in this chapter we will solve the problems related to profit and loss so first of all there are some important terms related to profit and loss the cp cp any cost price cost price what is the price at which an article is purchased is called it cp वो प्राइस जिस पर कोई भी आर्टिकल परचेज किया जाता है वो प्राइस उस आर्टिकल का क्या कह कहलाता है कॉस्ट प्राइस कहलाता है जिसे आप शॉर्ट में लिखेंगे सीपी ठीक है कैपिटल सी एंड कैपिटल पी नेक्स्ट है आपका सेलिंग प्राइस यानी कि एस पी द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस वो प्राइस जिस पर जिस पर कोई आर्टिकल सेल किया जाता है वो क्या कह कहलाता है सेलिंग प्राइस कहलाता है रेट इन एज एस पी और इससे हम किस फॉर्म में लिखते हैं एस पी फॉर्म में नाउ वाट इज़ प्रॉफ़िट प्रॉफिट क्या है कि जैसे जब भी आप कोई चीज़ पहले ख़ुद परचेज कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा सी पी और फिर आप उसको बाद में किसी और को सेल कर रहे हैं तो वो हो जाएगा एस पी तो जब हमारी जो टर्म है जब हमारी एस पी यानी सेलिंग प्राइस आपका सी पी यानी कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होता है तो वहाँ जो अर्निंग होती है जो गेन होता है वो प्रॉफिट कहलाता है और अगर आपका सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से कम है तो यहाँ पर लॉस होता है कस्टमर को ठीक है तो इसको हम कैसे समझेंगे कि हम सपोज कर लेते हैं कि किसी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस सीपी या सीपी को कॉस्ट प्राइस को आप सीपी लिखेंगे और सेलिंग प्राइस को आप एसपी लिखेंगे अगर एसपी आपकी ग्रेटर है सी से इफ़ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन द सेलर हैज़ अ गेन और अ प्रॉफिट तो सेलर को क्या होगा प्रॉफिट होगा जिसे आप गेन भी बोल सकते हैं इफ़ एस पी इज लेस देन सी पी अगर एस पी सी पी से कम है देन द सेलर हैज अ लॉस तो सेलर को क्या होगा लॉस होगा क्लियर है ये हम क्वेश्चन में देख के पता लगाएंगे कि क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ठीक है तो आप वहाँ कैसे देखेंगे जहाँ अगर आपका एस पी जो है वो सी पी से ग्रेटर होगा तो मतलब प्रॉफिट हो रहा होगा और अगर एस पी सी पी से कम होगा तो मतलब क्या है लॉस हो रहा होगा अब इनके फॉर्मूले क्या हैं अगर आपको गेन निकालना हो तो आप क्या करेंगे गेन निकालने के लिए एस पी में से सी पी को माइनस कर देते हैं क्योंकि एस पी ग्रेटर होता है वहाँ पर सी पी आपका कम होता है इसलिए गेन ये तो आपका रुपीज़ में आएगा यूनिट में आएगा और गेन परसेंटेज कैसे निकालते हैं जो गेन यहाँ से निकल कर आएगा इस फॉर्मूले से वो गेन अपॉन ये सी पी और इन टू हंड्रेड ये आ गया आपका पर गेन परसेंट ऐसे ही लॉस कैसे निकालेंगे क्योंकि लॉस में सी पी ग्रेटर सी पी ग्रेटर होता है एस पी से तो सी पी में से एस पी माइनस कर देंगे और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे जो लॉस यहाँ से निकल कर आएगा वो अपॉन सी पी इंटू हंड्रेड इस तरीके से लॉस अपॉन सी पी इंटू हंड्रेड परसेंट अब आपको सेकेंड फॉर्म है कि एस पी कैसे निकालना है क्वेश्चन में आपको गेन दे रखा है सीपी दे रखा है मगर एसपी नहीं पता तो एसपी निकालने का क्या फॉर्मूला है हंड्रेड प्लस गेन परसेंट गेन परसेंट का मतलब क्या है क्वेश्चन में आपको जो गेन या प्रॉफिट दिया गया होगा वो परसेंट में दिया गया होगा ठीक है वो आपको यहाँ लिखना है अपॉन हंड्रेड इंटू सी या फिर लॉस दिया होगा अगर गेन होगा तो प्लस हो जाएगा लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा ऐसे ही सी का सी के लिए क्या इसका रिवर्स है ठीक है इसका रिवर्स है हंड्रेड ऊपर है अपॉन हंड्रेड प्लस गेन और अगर लॉस के क्वेश्चन में तो हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस लॉस यहाँ पर हम एस पी निकाल रहे थे तो मल्टीप्लाई में सी पी था जब आप सीपी निकाल लेंगे तो मल्टीप्लाई में एस पी होगा आपको यह याद रखना है कि एस पी का रिवर्स हो जाता है सीपी फाइंड आउट करना तो ये हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं इस क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए नाउ कम टू द एक्सरसाइज रीड क्वेश्चन नंबर वन फाइंड द एस पी वैन आपसे क्या पूछा जा रहा है एस पी फाइंड करवाया जा रहा है जबकि आपको क्या गिवन है सी पी गिव है और गेन पर्सन गिव है तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसमें आपको गेन या लॉस जो है वो परसेंटेज में दे रखा होगा और सी पी या एस पी में से कोई एक वैल्यू दे रखी होगी जो नहीं दी होगी वो वाली पूछ रहे होंगे अब यहाँ पर हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर वन में देखिए यहाँ पर हमें एस पी निकालना है ठीक है इन्होंने लिखा है फाइंड एस पी एस पी हमें निकालना है सी पी की वैल्यू हमें दे रखी है रुपीज़ नाइन फाइव ज़ीरो और गेन कितना दिया है गेन परसेंट दिया है पूरा सिक्स परसेंट आपको दे रखा है तो एस पी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है एस पी इक्वल्स टू जब भी हमें एस पी निकालना होगा तो हंड्रेड प्लस गेन परसेंट अपॉन हंड्रेड इंटू सी पी ये आपका एस पी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है तो आप यहाँ लिखेंगे हंड्रेड प्लस गेन परसेंट कितना दिया आपको सिक्स यहाँ परसेंट का साइन नहीं लगा दे यहाँ सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आपको गेन वाली टर्म जो है वो परसेंटेज में दी गई होगी ठीक है सिक्स अपॉन हंड्रेड इन टू की वैल्यू कितनी है रुपीज नाइन फाइव जीरो ठीक है ये आ गया आपका हंड्रेड में सिक्स ऐड करेंगे तो वन हंड्रेड सिक्स हो जाएगा अपॉन हंड्रेड इन टू रुपीज़ नाइन फाइव ज़ीरो यहाँ पर ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल वन हंड्रेड सिक्स अपॉन टेन इंटू नाइन्टी फाइव ये जो रुपीज़ था इसे हमने बाहर लिख दिया है आप चाहें तो वहाँ भी लिख सकते हैं नाउ फाइव टू ज टेन फाइव वन जो फ़ाइव फोर बचा फोर्टी फाइव हो गया फ़ाइव नाइन जो फोर्टी फाइव ये आपका हो गया वन हंड्रेड सिक्स अपॉन टू इन नाइनटीन ये टू फाइव ज़र टेन और टू थ्री जो सिक्स हो गया आपका फिफ्टी थ्री इन नाइनटीन और ये रुपीस में आ रहा है सब ठीक है जब आप फिफ्टी थ्री की नाइनटीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा करके देख लेते हैं यहाँ पर नाइन थ्री ज़र ट्वेंटी सेवन टू कैरी हुआ नाइन फाइव जर फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव एन टू फोर्टी सेवन वन थ्री जो थ्री वन फाइव जो फाइव सेवन सेवन थ्री टेन फाइव फोर नाइन एन वन टेन वन थाउजेंड सेवन जो है वन थाउजेंड है एसपी ठीक है और अगर जैसे इस क्वेश्चन में अगर हमें यहाँ लॉस दे रखा होता तो फिर लॉस वाला फार्मूला लगा देते 100 माइनस लॉस तो जैसे यहाँ 100 प्लस सिक्स हुआ है मान लीजिए अगर ये लॉस होता तो 100 माइनस सिक्स हो जाता बाकी सेम मेथड यही है ठीक है जैसे इसका थर्ड पार्ट देखिए यहाँ तो गेंद दे रखा है तो ये इसी की तरह होगा ये देखिए जैसे थर्ड पार्ट यहाँ लॉस गिवेन है यहाँ पर कैसे करेंगे वही है एस निकालना है आपको ठीक है सीपी दे रखा है क्वेश्चन में रुपीज़ वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी और लॉस गिवन है लॉस कितना लिखा है फोर परसेंट ठीक है तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे एसपी का लॉस वाला एसपी पी इक्वल्स टू हंड्रेड माइनस लॉस क्योंकि जब लॉस होगा तो माइनस आएगा माइनस लॉस परसेंट अपॉन हंड्रेड इन सी तो हंड्रेड माइनस लॉस यानी हंड्रेड माइनस लॉस कितना है फोर परसेंट का अपॉन हंड्रेड इंटू सी पी सी पी कितना है रुपीज़ वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी तो हंड्रेड में से फोर जाएगा कितना बचेगा नाइन्टी सिक्स अपॉन हंड्रेड इंटू वन फाइव फोर जीरो और मैंने ये रुपीज़ को बाहर लिख लिया ठीक है थीके? यहाँ पर आपका ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल नाइन्टी सिक्स इंटू वन हंड्रेड फिफ्टी फोर अपॉन टेन ये हो गया आपका रुपीस और यहाँ पर हम क्या करेंगे वन हंड्रेड फिफ्टी फोर की नाइन्टी सिक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर टू कैरी सिक्स फाइव ज़ा थर्टी थर्टी एंड टू थर्टी टू सिक्स वन ज़ा सिक्स सिक्स एंड आपका जो कैरी था थ्री हो गया नाइन एंड नाइन फोर ज़ा थर्टी सिक्स आपका थ्री कैरी हो गया नाइन फाइव जैव फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव एंड थ्री फोर्टी एट आपका फोर कैरी हो गया नाइन वन जेवन नाइन नाइन एंड फोर थर्टीन फोर सिक्स टू एट नाइन एट सेवनटीन थ्री एंड फोर वन फोर तो ये हमारी जो मल्टीप्लाई आ गई वो क्या आ गई वो फोर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी फोर आप वन में क्या है टेन है और डेसीमल चैप्टर में आपने पढ़ा है नीचे एक जीरो है तो यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसीमल आ जाएगा यानी फोटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटीन पॉइंट फोर जीरो क्लियर है तो ये हमारा यहाँ पर एस पी है क्लियर है नॉ सेकेंड क्वेश्चन देखिए फाइंड द गेन और लॉस परसेंट वेन इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है गेन आ रहा है तो गेन परसेंट बताना और लॉस आ रहा है तो लॉस परसेंट बताना है ठीक है गेन और लॉस दोनों ही परसेंट बताने के लिए आपको गेन और लॉस पहले पता होना चाहिए वो आप डायरेक्टली देखकर बता सकते हैं किस क्वेश्चन में गेन होगा और किस में लॉस होगा हमने आपको बताया था कि जिसमें एस पी ग्रेटर होगा सी पी से वहाँ पर गेन होगा और जहाँ एस पी लेस देन होगा सी पी से वहाँ लॉस होगा तो यहाँ पर सी पी ट्वेंटी फोर हंड्रेड है यहाँ पर एस पी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड नाइन्टी टू है इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर एस पी ग्रेटर है एस पी ग्रेटर है मतलब यहाँ गेन हो रहा है यहाँ पर देखिए सी आपका वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी है यहाँ पर एस आपका वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी टू है यहाँ पर एस कम है सी से इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है लॉस हो रहा है यहाँ देखिए सी पी ट्वेल्व थाउजेंड है लेकिन एस पी ट्वेल्व थाउजेंड एट हंड्रेड है यहाँ एस ग्रेटर है सी से तो यहाँ क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर सी पी एटीन हंड्रेड है और एस पी सिक्सटीन हंड्रेड एलेवन है यानी एस पी कम है सी पी से तो यहाँ क्या हो रहा है लॉस हो रहा है ये तो आप डायरेक्टली देख कर पता लगा लेंगे जहाँ पर एस पी ग्रेटर होगा सी पी से वहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा और जहाँ पर एस पी लेस देन होगा सी पी से वहाँ पर लॉस होगा अब हमें तो इनके परसेंटेज निकालने तो चाहे आप गेन परसेंट निकालें चाहे आप लॉस परसेंट निकाल लें सबसे पहले आपको गेन या लॉस जो भी है वो आपको अमाउंट में निकालना है ठीक है तो हमारा क्वेश्चन देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमें सीपी गिवन है ट्वेंटी फोर हंड्रेड रुपीज़ और एसपी भी गिवन है रुपीज़ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड नाइन्टी टू तो यहाँ पर एसपी ग्रेटर है इसका मतलब क्या हो रहा है गेन हो रहा है ये आप यहाँ पर लिख कर दिखाएंगे हेयर एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी यहाँ पर एस पी सी पी से बड़ा है इसलिए गेन हो रहा है और जब गेन होता है तो एस पी में से सी पी माइनस करेंगे आप एस पी कितना है रुपीज़ टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी टू माइनस सी पी कितना है रुपीज़ टू थाउजेंड फोर हंड्रेड और जब आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा वन हंड्रेड नाइन्टी टू ये तो हमारा गेन आ गया लेकिन इन्होंने हमसे कहा है गेन परसेंट निकालने को तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या था जो गेंद ऊपर निकल कर आया है वो अपॉन सी पी इंटू हंड्रेड ठीक है गेंद कितना निकल कर आया है वन नाइन्टी टू सीपी कितना दिया है क्वेश्चन में ट्वेंटी फोर हंड्रेड इंटू हंड्रेड जीरो से जीरो कैंसिल यहां पर आपका ये आ गया वन नाइन्टी टू अपॉन ट्वेंटी फोर परसेंट क्योंकि हमें परसेंट निकालनी है ट्वेंटी फोर आपका जाएगा ये एट टाइम्स ट्वेंटी फोर एट सा वन नाइन्टी टू जो गेन है वो कितना है एट परसेंट का है ठीक है ऐसे ही सेकेंड पार्ट है यहाँ पर देखिए सी पी है और एस पी है क्लियर है तो यहाँ पर क्या ग्रेटर है आपका सी पी ग्रेटर है तो यहाँ देखेंगे आप कैसे क्या लिखेंगे कि एस पी इज़ लेस देन सी पी क्योंकि यहाँ पे सी पी आपका वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी है और एस पी वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी टू है एस पी छोटा है इसलिए लिखेंगे एस पी इज़ लेस देन सी पी और लॉस का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे लॉस हो रहा है तो लॉस का फार्मूला सी पी माइनस एस पी इसमें से ये माइनस करेंगे वन हंड्रेड नाइन्टी एट आएगा आपको लॉस परसेंट निकालनी है तो लॉस अपॉन सी पी इंटू हंड्रेड परसेंट यानी लॉस कितना आया वन नाइन्टी एट और सी पी क्वेश्चन में गिविन था वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी इंटू हंड्रेड इसको सॉल्व कर लेंगे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका लॉस कितना आएगा ये ट्वेल्व परसेंट पूरा आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो लॉस आएगा आपका ट्वेल्व परसेंट क्लियर है ये थर्ड क्वेश्चन फाइंड द सी पी वेन अब इस पर क्या निकालना है आपको सी पी निकालना है जबकि एस पी गिवेन है गेन परसेंट गिवेन है यहाँ पर एस पी गिविन है गेन परसेंट गिवेन है यहाँ पर एस पी गिवेन है लॉस परसेंट गिवेन है यहाँ पर भी तो हम आपको फर्स्ट स्टार्ट करके दिखा दे रहे हैं जैसे गेन वाला होगा सेम वैसे ही लॉस वाला होगा गेन वाले में प्लस होगा और लॉस वाले में क्या होगा माइनस होगा तो इस क्वेश्चन में आपको एस पी गिवेन है रुपीज़ नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फोर और गेन गिवन है गेन हमारा कितना है इसमें टेन परसेंट का ठीक है और सी हमें निकालना है तो सी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये एस का रिवर्स होता है यानी हंड्रेड अपॉन हंड्रेड प्लस गेन परसेंट अगर यहाँ पर लॉस होगा तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा इन टू क्लियर है हंड्रेड अपॉन हंड्रेड प्लस गेन कितना है टेन इंटू एस पी आपका आ जाएगा रुपीज़ नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फ़ोर और आपका ये हंड्रेड अपॉन हंड्रेड में टेन ऐड करेंगे वन हंड्रेड टेन इंटू नाइन्टी फ़ोर सॉरी नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फ़ोर ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल यहाँ पर आपका ये बच रहा है टेन इंटू नाइन्टी नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फोर अपॉन इलेवन एलेवन एट ज़ा एट्टी एट नाइन्टी टू में से एटी एट जाएंगे फोर बचेंगे फोर और फोर हो गया फोर्टी फोर इलेवन फोर ज़ा फोर्टी फोर तो ये आपका बच रहा है टेन इंटू एट्टी फ़ोर इसका मतलब क्या है रुपीज़ एट हंड्रेड फोर्टी ये क्या आ गया निकल के सी पी आ गया ठीक है इसी तरीके से लॉस वाला क्वेश्चन करेंगे आई एम एक्सप्लेनिंग यू देखिए इसका आप थर्ड पार्ट देखिए यहाँ पर हमें एस पी गिव है एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड टेन लॉस गिविन है एट परसेंट सी पी निकालना है सेम वैसा ये जैसा हमने करा था अभी क्योंकि यहाँ लॉस है इसलिए हम माइनस आ जाएगा हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस लॉस परसेंट इंटू एस पी हंड्रेड लॉस माइनस कर दिया इंटू एस पी की वैल्यू रख दी हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस एट यानी नाइन्टी टू इंटू एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड टेन इसको हमने सॉल्व किया और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो सी पी निकल कर आया नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी यहाँ पर देखें आप कि लॉस हो रहा था तो आप देखें कि सीपी की जो वैल्यू आई है वो एस से ग्रेटर आई है देखिए सीपी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी आया जबकि एस एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड टेन है जब एस पी छोटा तब होता है तभी तो लॉस होता है तो यहां पर हमारी सीपी की वैल्यू ग्रेटर आई है ये भी आप देख सकते हैं ठीक है नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर देखिए सुधीर बॉट एन अलमिरा फॉर रुपीज़ थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड स्पेंट फोर हंड्रेड ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन अभी हमने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज़ परचेज़ की जाती है तो वो कहलाती है सी तो यहाँ पर सुधीर ने अलमिरा परचेज़ की है जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या है थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड स्पेंड फोर हंड्रेड ऑन ट्रांसपोर्टेशन और फोर हंड्रेड रुपीज़ ट्रांसपोर्ट में यूज हुए हैं अलमिरा को शॉप से घर तक पहुँचाने के लिए ही सोल्डेड फॉर रुपीज़ सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड उसने वो आलमरा बाद में सोल्ड कर दी है सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड में फाइंड हिज गेन परसेंट आपको क्या बताना है उसका गेन परसेंट बताना है यहाँ क्वेश्चन में आपको बता दिया कि गेन हो रहा है ठीक है वरना दोनों ही चीज़ें लिख सकते हैं फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंट निकालिए और लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालिए अब क्या है अगर कोई भी आर्टिकल हम खरीदते हैं और उसके ऊपर अलग से मेंटेनेंस या रिपेयरमेंट या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जाता है तो वो आपका सीपी में ऐड होता है ठीक है क्योंकि उसको टोटल जो कॉस्ट पड़ी अलमीरा की वो अलमीरा की कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्ट मिला के तो पड़ी इतने रुपए तो उसके खर्च हुए इसलिए कभी भी कोई भी रिपेयरमेंट या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन या कोई भी कोई भी ऐसा चार्ज जाएगा तो वो सीपी में ऐड होता है क्लियर है तो अलमीरा की जो एक्चुअल सी हुई वो क्या हुई दिस प्लस दिस ठीक है और एस पी आपको गिवेन है सी पी और एस पी जब दी गई है तो पहले गेन निकालेंगे उसके बाद गेन परसेंट निकालेंगे क्लियर है तो हम पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अलमिरा फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ अलमिरा अलमिरा का कॉस्ट क्या है रुपीज थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड और इसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन में गिविन है आपको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कितना गया है फोर हंड्रेड रुपीज़ रुपीज़ फोर हंड्रेड तो आपका जो टोटल सीपी हुआ है वो कितना हुआ है टोटल सीपी यानी टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ है या टोटल कॉस्ट लिख सकते हैं आप कुछ भी लिख लें थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड दोनों को ऐड कर दीजिए थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड में फोर हंड्रेड एड होंगे तो फोर्टीन थाउजेंड आ जाएगा यानी टोटल जो सीपी पड़ी है वो रुपीज़ फोर्टी थाउजेंड की पड़ी है एस पी कितना दे रखा है क्वेश्चन में रुपीज़ सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड है यह एस पी क्वेश्चन में गिवन है ठीक है तो एस पी ग्रेटर है सी पी से तो क्या हो रहा है गेन गेन हो रहा है तो गेन निकालेंगे आप एस पी माइनस सी पी एस पी कितना है सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस सी पी कितना है फोर्टीन थाउजेंड रुपीज़ हैं दोनों सेम यूनिट है इसीलिए हमने एक ही साथ बाहर लिख दिए जब आप इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा ट्वेंटी एट हंड्रेड अब हमें निकालना है गेन परसेंट तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है गेन अपॉन सी पी इंटू हंड्रेड ये फार्मूलाज आपको याद रखने हैं तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे ठीक है गेन कितना है ऊपर ट्वेंटी एट हंड्रेड अपॉन सी पी कितना है फोर्टीन थाउजेंड इंटू हंड्रेड जीरो से ज़ीरो कैंसिल जीरो से ज़ीरो कैंसिल जीरो से ज़ीरो कैंसिल ये कितना बचा टू एट्टी अपॉन फोर्टीन 14 वन जो फोर्टीन फोटीन टू जो ट्वेंटी एट एंड जीरो ये आ गया आपका ट्वेंटी और ये हो गया परसेंट परसेंट में आ रहा है ये तो ये आपका क्या आएगा ट्वेंटी परसेंट क्लियर है क्वेश्चन नंबर फाइव इज सेम एज़ क्वेश्चन नंबर फोर बिल्कुल सेम है बस वहाँ पर पर्सन का नेम चेंज है यहाँ सुधीर था यहाँ पर रवि है और उसमें आर्टिकल एलमिरा था इसमें हाउस है बाकी बिल्कुल आपका सेम है देखिए रवि परचेज एन ओल्ड हाउस फॉर रुपीज से वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ऑन इट्स रिपेयर उसने क्या किया है रवि ने हाउस परचेज किया है पुराना जिसकी कॉस्ट है सेवन लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड और उसके रिपेयरमेंट में भी उसने इन्वेस्ट किया है वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड तो टोटल उसको जो कॉस्ट पड़ेगी सीपी की सॉरी हाउस की वो क्या होगी दिस प्लस दिस ही सोल्ड इट अगेन एट फाइव परसेंट उसने इसको सोल्ड कर दिया है फाइव परसेंट के गेन पर यानी उसको फायदा कितना हुआ है फाइव परसेंट का तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसको कितने रुपए मिले हैं यहाँ पर छाइ इन्होंने रुपए दे रखे थे तो परसेंट पूछा था यहाँ पर फाइव परसेंट दे रखा है तो पूछा जा रहा है कितने उसने उस, उसको कितने रुपए मिले यानी उसका एसपी क्या है ठीक है तो पहले तो हमारा सेम है कॉस्ट ऑफ हाउस सेवन लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड इस तरीके से आप लिखेंगे एंड कॉस्ट ऑफ रिपेयर वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड तो टोटल कॉस्ट क्या होगी दिस प्लस दिस यानी एट लाख एट्टी थाउजेंड आप उसका रवि ने जो है इन्वेस्ट किया है गेन हमें गिवन है फाइव परसेंट तो अब हमें एस पी निकालना है हमें यही तो बताना उसे कितने रुपए मिले क्योंकि सेल करेगा जो सेल करेगा वही रुपए तो उसे मिलेंगे यानी आपको हाउस की जो है वो एस पी बताना है तो आपको गेन गिवन है तो गेन वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने हंड्रेड प्लस गेन परसेंट अपॉन हंड्रेड इंटू सी पी हंड्रेड गेन कितना है फाइव रख दिया अपॉन हंड्रेड इंटू सी पी की वैल्यू ये रही हंड्रेड एंड फाइव वन हंड्रेड फाइव अपन हंड्रेड इंटू दिस जीरो से ज़ीरो कैंसिल आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया नाइन लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड ये हमारा एस पी आया देखो ये सी पी से ग्रेटर आया है तभी तो गेन हुआ है सी पी छोटा है एस पी बड़ा है तभी तो गेन हुआ है तो यहाँ पर सी पी यानी उसने एट लाख एट्टी थाउजेंड इन्वेस्ट किए थे और उसको नाइन लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड मिले हैं ठीक है ठीके? ये उसका एस पी आया है